अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने तोमासुलो एल्गोरिदम को डिस्कस किया था और ये उसकी कुछ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन थी और हमने तोमासुलो एल्गोरिदम पे एक सिंपल सी एग्जांपल रन करके देखी थी। बेसिकली हमारी ये एग्जांपल थी, राइट? और हमने इसको रन करके देखा था। और अभी अगेन ये तोमासुलो एल्गोरिदम जो है अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने इसमें कुछ रिजर्वेशन स्टेशन इंसर्ट किए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट एडर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर्स हैं और रजिस्टर फाइल है। अभी तक हमने लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस के लिए ये तोमासुलो एल्गोरिदम जो है अभी हमने इसको डेवलप करना है। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक डेवलप किया था और हमने एक एग्जांपल की थी, और इससे पहले कि हम इसको लोड और स्टोर के लिए डेवलप करें, एक छोटी सी एग्जाम्पल जो है वो हम आज एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम इस तोमासुलो एल्गोरिदम को कम्प्लीट करेंगे फॉर लोड एंड स्टोर, ठीक है जी? तो अभी एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें ओनली थ्री इंस्ट्रक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एडिशन की इंस्ट्रक्शन है उसमें जो एफ नॉट है वो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, और इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है वो भी आपके ये एफ नॉट पे या यहाँ पे एफ नॉट पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी? तो लेकिन यहाँ पे दोनों ने राइट करना है एफ नॉट को, और यहाँ पे एफ एडिशन ने एफ नॉट को रीड करना है, ठीक है जी? तो देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा तोमासुलो एल्गोरिथम अगर हम ये यूज़ करते हैं। बेसिकली इस एग्जांपल में भी रजिस्टर रीनेमिंग होगी एफ नॉट की, और ये जो तीनों इंस्ट्रक्शंस हैं ये आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगी। लास्ट लेक्चर में किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सर ये आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे होगी? जी है भी ऑनलाइन वो स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, सर ये आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है? जी हैं स्टूडेंट? जी सर। हाँ, जो आज आपको पता चल जाएगा, ये तीनों इंस्ट्रक्शन में से एक इंस्ट्रक्शन जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, अभी आप इसमें देख लेंगे, ठीक है जी? तो ओके जी, ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल है, और ये तीनों इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपकी इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर इशू हो चुकी है, इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर अवेलेबल है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन जो है उसकी इंस्ट्रक्शन सबसे आगे, और ये तीन रजिस्टर्स हैं इसमें एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू आई की फील्ड ऑल जीरोज हैं। इट मींस ये सब की सब वैल्यूज़ जो हैं वैलिड हैं, ये सब की सब वैल्यूज़ जो हैं वैलिड हैं, कहीं पे भी किसी रजिस्टर की वैल्यू प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है जी? तो सबसे पहले आपकी मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन इशू हुई, और ये मल्ट वन रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर आपकी चली गई है, और यहाँ पे जो आपकी इंस्ट्रक्शन थी मल्ट वन एफ वन और एफ टू पर डिपेंडेंट थी, ठीक है जी? F1 और F2 इन रजिस्टर्स जो हैं इन्होंने रीड करने हैं, तो रिजल्ट जो है वो F0 में स्टोर होना है। तो F0 पे हमने यहाँ पे जो F0 का रजिस्टर है, दिस इज F0, F1, F2, F3, तो F0 का जो रजिस्टर है यहाँ पे हमने इसका जो आइडेंटिफायर है क्यू आई, इसको मल्ट वन से रिप्लेस कर दिया। इट मीन्स ये वैल्यू जो है वो अपडेट होनी है, ये रिप्लेस होनी है अब, ठीक है जी? तो F1 और F2 की वैल्यूज जो है 7.85, दिस इज 7.85, और F2 की वैल्यू जो है 0.76, दिस इज 0.76, ये दोनों वैल्यूज रजिस्टर फाइल से आपके रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर आ गई हैं, ठीक है जी? और अब ये जो मल्ट वन है इट इज़ एक्चुअली रेडी टू एग्जीक्यूट बाय फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर्स, ठीक है? तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इशू होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एडिशन की है, और ये इसका जो रिजल्ट है वो F3 है। तो यहाँ पे हमने जो F3 है वहाँ पे ऐड वन लिख दिया, क्योंकि ऐड वन जो है बेसिकली ऐड वन के अंदर ये इंस्ट्रक्शन जो है, ऐड वन रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इशू हुई है, ठीक है जी? और इस ऐड वन में जो फर्स्ट ऑपरेंड है F0 वो बेसिकली यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो मल्ट वन रिजर्वेशन स्टेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? 1.23 वैल्यू वैलिड नहीं है, क्योंकि मल्ट वन एफ नोट की वैल्यू इस मल्ट वन रिजर्वेशन स्टेशन में प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे मल्ट वन लिख दिया गया। अब एक थर्ड इंस्ट्रक्शन है, थर्ड इंस्ट्रक्शन इशू हो गई है, ठीक है जी? और थर्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर भी अगर आप गौर करें, एफ नोट के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर होनी है, तो यहाँ पे जो मल्ट वन था वो एड टू से रिप्लेस हो गया, ठीक है? और क्योंकि ये जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्शन की, ये एड टू रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर इशू हुआ है। इसके जो ऑपरेंड्स हैं F1 एंड F2, F1 एंड F2, राइट? सॉरी, ये F1 एंड F2, ये क्योंकि दोनों वैलिड वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैलिड वैल्यूज़ जो हैं ये ऑपरेंड बसेस के थ्रू एड टू रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर अवेलेबल हैं। 7.85 दिस वन एंड 0.76 दिस वन, राइट? अब ये तीनों इंस्ट्रक्शन जो हैं रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर
अवेलेबल है और इनमें से ये जो ऐड वन की इंस्ट्रक्शन है ये मल्ट वन के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है और ये मल्ट वन जो है ये जिसका फर्स्ट ऑपरेंड है एफ नॉट ये वेट कर रहा है कि ये वैल्यू प्रोड्यूस हो और मेरे पास अवेलेबल हो। नंबर टू, अब आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे जो एफ नॉट सॉरी ये जो ऐड वन के अंदर ये जो एडिशन की इंस्ट्रक्शन थी इसमें जो एफ नॉट था ये रीनेम होके मल्ट वन बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ नॉट है वो यहाँ पे ऐड टू बेसिकली एफ नॉट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में ये हुआ है कि आपका नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ है कि आपके जो फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर्स हैं ये आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है और ये आपकी कॉमन डेटा बस के ऊपर ये रिजल्ट्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट हो गए। अब आप देख सकते हैं ये मल्ट वन जो है एफ नॉट पे उसने वैल्यू स्टोर करनी है लेकिन एफ नॉट जो है वो एड टू ने कैप्चर किया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मल्ट वन है मल्ट वन ये जो वैल्यू है ये जो मल्ट वन की वैल्यू है ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट होगी और बजाय इसके कि इस रजिस्टर फाइल में राइट हो ये एड वन रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर अपडेट होगी है, राइट। पहले यहाँ पे मल्ट वन थी ब्रॉडकास्ट हुई और यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी। इट मीन्स के इस रजिस्टर रीनेमिंग की वजह से बेसिकली यहाँ पे जो ओरिजिनल एफ नॉट था वहाँ पे वैल्यू राइट ही नहीं होगी। रजिस्टर रीनेमिंग की वजह से मल्ट वन जो यहाँ पे वैल्यू आइडेंटिफाई था उसने यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड वैल्यू जो है वो यहाँ पे अपडेट कर दी। अब आप गौर करें जब ये ब्रॉडकास्ट हो गया वैल्यू और ये ब्रॉडकास्ट वैल्यू हुई है यहाँ पे अब सॉरी एक मिनट जी ये ब्रॉडकास्ट वैल्यू हुई है और यहाँ पे वैल्यू जो है वो अवेलेबल है। अब आप गौर करें हमारे पास टू ऑप्शंस हैं एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की और ये दोनों इंस्ट्रक्शंस जो हैं रेडी टू एग्जीक्यूट हैं बिकॉज इनके ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी। अब आप गौर करें ये जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है ये पहले की रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर अवेलेबल है क्योंकि ये जो एडिशन की इंस्ट्रक्शन थी ये मल्ट वन के लिए वेट कर रही थी, इसीलिए ये जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है ये पहले एग्जीक्यूट हो रही है 7.85 माइनस 0.76, ठीक है जी। ये सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये जो इंस्ट्रक्शन थी ये किसी ऑपरेंड के लिए वेट नहीं कर रही थी, ये ऑलरेडी यहाँ पे आप देखें पहले ऑलरेडी इसके ऑपरेंड्स अवेलेबल थे जबकि ये एडिशन की इंस्ट्रक्शन जो है ये मल्ट वन में ऑपरेंड का वेट कर रही है। तो ये इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी सब्ट्रैक्शन की और यहाँ पे इसने सब्ट्रैक्शन किया उसके बाद रिजल्ट ब्रॉडकास्ट हुआ और ये रिजल्ट ब्रॉडकास्ट रिजल्ट ये एक स्टेप में ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये एग्जीक्यूशन फेज हो रहा है आपका एडिशन वन का एड वन का, राइट। और यहाँ पे क्या रहा है 5.96 प्लस 0.76 6.72 ये आपका रिजल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसके साथ साथ सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, ठीक है जी। ये जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट ब्रॉडकास्ट है ये एड टू रिजर्वेशन स्टेशन का और ये एड टू रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर आप देखेंगे ये रिजल्ट अपडेट हो गया 7.09 और ये रिजर्वेशन स्टेशन फ्री हो गया, ठीक है। इसकी बिजी बिट जो है वो जीरो हो गई है। अब इससे प्रीवियस स्टेप में जो एडिशन सेकेंड इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा था अब वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है 6.72 और ये 6.72 बेसिकली एड वन रिजर्वेशन स्टेशन का रिजल्ट है तो ये रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हो गया और आपके रिजर्वेशन स्टेशन जो है फ्री हो गए। तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगी एडिशन की इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जीक्यूट हुई। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में आपकी रजिस्टर रीनेमिंग भी हुई है और आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी हुई है। इस एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ जी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इस एग्जाम्पल में, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। सर जो जब मल्टीप्लायर का जब दो मल्टीप्लाई किए तो जो 5 पॉइंट वैल्यू आई थी तो वो अपडेट हुई थी वहां पे एफ पी रजिस्टर में। ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है ये यहाँ पे एफ नॉट पे अपडेट नहीं हुई बल्कि यहाँ पे इस ए एफ नॉट को बाईपास कर दिया गया और ये वैल्यू जो ब्रॉडकास्ट हुई हुई है ये मल्ट वन रिजर्वेशन स्टेशन क्योंकि बेसिकली ये रिजर्वेशन स्टेशन में रजिस्टर रीनेमिंग हो गया एफ नोट की बजाय ये अब मल्ट वन के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ वन है बेसिकली इट इज सॉरी यहाँ पे जो ये जो एडिशन की इंस्ट्रक्शन है इसमें जो एफ नॉट है
इट इज एक्चुअली बिकम्स मल्ट वन. तो ये ब्रॉडकास्ट जब वैल्यू हुई है तो एफ नॉट में ये अपडेट नहीं हुई बल्कि डायरेक्टली रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर अपडेट हुई है. ठीक है, यही है, इसी का हम रजिस्टर ही नेमिंग कह रहे हैं. यस सर, लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो ना होती सबट्रैक्टरी, तो फिर क्या होता, मतलब एफ नॉट की वैल्यू तब होती है अपडेट के ना होती थी. सॉरी, अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन ना होती, ओके, अगर ये जो है ये आप कह रहे हैं कि ये ऐड टू की वैल्यू अगर ना होती, राइट, ये कह रहे हैं ना, ये एफ नॉट सबट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन ना होती तो यस, फिर आपकी एफ नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पे जो ये एफ नॉट है वो अपडेट हो जाती, तब ये एफ नॉट भी अपडेट हो जाता और आप ये मल्ट वन को भी अपडेट कर देते. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ नॉट जो था वो एड टू ने कैप्चर किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे आपकी एफ नॉट की वैल्यू अपडेट नहीं हुई बल्कि आपका सिंपल वो वैल्यू बाईपास होकर इस मल्ट वन में अपडेट हो गई थी. अगर ये कैप्चर ना होता, ये कैप्चर ना होता तो यस आपका एफ नॉट यहाँ पे भी अपडेट हो जाता. जी, और किसी की क्वेश्चन है, कोई पूछना है, किसी का भी क्वेश्चन है? ओके जी, ये आपका थॉमस-सुलो एल्गोरिथम जो है, अभी तक हमने इसमें लोड और स्टोर को ऐड नहीं किया, तो लोड और स्टोर ऑपरेशंस ऐड अप करते हैं. तो लोड और स्टोर ऑपरेशंस के अंदर जो है आपका बेसिकली एक एड्रेस यूनिट है, ठीक है, एक स्टोर बफर है जिसकी टू एंट्रीज हैं, बेसिकली एक वैल्यू है जो आपने स्टोर करनी है और एक एड्रेस है, यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस सेव हो रहा है. ठीक है, ए फील्ड में पहले लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें ऑफसेट होता है और सॉरी इमीडिएट फील्ड होती है, और बाद में जो एड्रेस कैलकुलेट होता है वो भी यहीं पे स्टोर होता है. ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे एड्रेस यूनिट जो है आपको इफेक्टिव एड्रेस प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस ही होगा. ठीक है, और ये आपका लोड बफर है. लोड बफर में सिंपल आपको जो वैल्यू मेमोरी से रिक्वायर्ड है वो आप लोड करेंगे. ठीक है, और इसमें ये जो स्टोर की वैल्यू है ये आपका कॉमन डेटा बस से स्टोर बफर है, या आपकी कॉमन डेटा बस से कनेक्टेड है. बिकॉज ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जो वैल्यू मेमोरी में स्टोर करना चाह रहे हैं वो किसी रिजर्वेशन स्टेशन में या किसी फ्लोटिंग पॉइंट सॉरी रजिस्टर फाइल में आपकी अवेलेबल हो, तो यहाँ से आप उसको इस स्टोर बफर में कॉपी कर सकते हैं. ठीक है जी, तो इस लोड स्टोर ऑपरेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी होंगी. इफेक्टिव एड्रेस मस्ट बी नॉन कैलकुलेटेड बिफोर लोड एंड स्टोर, राइट. तो इफेक्टिव एड्रेस आपका कैलकुलेट होना चाहिए बिफोर लोड एंड स्टोर. ठीक है, इसमें लोड और स्टोर बफर में वैल्यू स्टोर करने से पहले आपके पास इफेक्टिव एड्रेस होना चाहिए. लोड एंड स्टोर कैन बी एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ ऑर्डर इफ डिफरेंट एड्रेसेस, राइट. अगेन थॉमस-सुलो एल्गोरिथम आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन सपोर्ट कर रहा है अगर एड्रेस यूनिट जो है ये डिफरेंट एड्रेसेस इसके पास हैं, तो इसे कोई इशू नहीं है कि आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सके. अगर सेम एड्रेस है तो फिर आपकी हैजर्ड्स आ सकती हैं. ठीक है जी, लोड एंड स्टोर एक्सेसिंग सेम एड्रेस कॉज हैजर्ड्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर. अगर आपकी हैजर्ड्स हैं तो फिर इन ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करेंगे ताकि जो हैजर्ड्स हैं वो डिपेंडेंसी है वो मेंटेन रहे. हैजर्ड्स कैन बी डिटेक्टेड आफ्टर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशंस. यस, जब आप इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेंगे तो वो इफेक्टिव एड्रेस इन ए फील्ड से कंपेयर होगा. अगर आपका इफेक्टिव एड्रेस इनमें से किसी भी एड्रेस से मिलता है जो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये आपकी जो लोड और स्टोर जो है ये बफर में वैल्यू इशू नहीं होगी. अगर डिफरेंट एड्रेसेस हैं तो फिर लोड और स्टोर के अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी. ठीक है, और एड्रेस यूनिट एड्रेस यूनिट मैं भी आपको बता चुका हूँ. एड्रेस यूनिट कैलकुलेट्स एड्रेस इफ देयर इज नो हैजर्ड्स. इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी सेम एड्रेस नहीं है. आपका एड्रेस यूनिट और ए फील्ड के अंदर सेम एड्रेसेस नहीं है. जो एड्रेस यूनिट कैलकुलेट कर रहा है एड्रेस और ए फील्ड के अंदर सेम एड्रेस नहीं है, देन देयर विल बी नो हैजर्ड. ओनली देन इंस्ट्रक्शंस आर प्लेस्ड इन लोड एंड स्टोर बफर्स. अगर आपका यहाँ पे एड्रेस यूनिट ने एड्रेस कैलकुलेट किया और ए फील्ड के अंदर कोई भी एड्रेस मैच नहीं कर रहा यानी डिफरेंट है, तब ही आपका लोड और स्टोर जो है ये जो लोड और स्टोर बफर्स जो है उनमें वैल्यूज प्लेस की जाएंगी. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. लोड एंड स्टोर ऑपरेशंस जो है एग्जीक्यूशन फेज में टू स्टेप्स लेते हैं. कैलकुलेशन इफेक्टिव एड्रेस नंबर वन स्टेप में कैलकुलेट हो रहा है इफेक्टिव एड्रेस, और जब आपने इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आप मेमोरी को एक्सेस करेंगे. ठीक है जी, याद रखना है एग्जीक्यूशन स्टेप्स के अंदर आपका लोड और स्टोर जो है वो टू स्टेप्स में काम कर रहा है. नंबर वन आपका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा. जब ये इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा और कोई हैजर्ड नहीं होगी तब आप उसके बाद नेक्स्ट टाइम में मेमोरी को एक्सेस करेंगे. ठीक है जी, तो यहाँ पे ए फील्ड वही है. ए फील्ड यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस के लिए, डी वो वैल्यू है जो आपने स्टोर करनी है यहाँ पे. ठीक है, सिर्फ आपको स्टोर बफर के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है. लोड में आपने मेमोरी से लोड करके यहाँ पे
आप उससे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है जी। तो डी जो है यहाँ पे जो डी की वैल्यू है, इट कैन बी लाइक, ये बेसिकली आइडेंटिफायर्स भी हो सकते हैं आपके रिजर्वेशन स्टेशन के, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, ये आपका रिजर्वेशन स्टेशन की मल्टीप्लायर भी हो सकते, आइडेंटिफायर भी हो सकते हैं मल्ट वन, इसी तरह ये आइडेंटिफायर आपके लोड और स्टोर बफर्स के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो डी की वैल्यू है, ये आपकी मल्ट वन, इस तरह के लोड बफर, ये जो आइडेंटिफायर्स हैं, ये भी ये लोड और स्टोर बफर के आइडेंटिफायर्स हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन स्टेशन के भी जो मल्टी आइडेंटिफायर्स हैं वो डी की वैल्यू हो सकती है, ठीक है जी। और ये आप पहले देख चुके हैं, ये जो कॉमन डेटा बस है ये आपकी स्टोर बफर से कनेक्टेड है, ठीक है जी। ये आपकी लोड कॉमन डेटा बस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू स्टोर बफर, ओके जी। एक एग्जाम्पल है, रिजर्वेशन स्टेशन कैन बी ऑल्सो बी वेटिंग फ्रॉम लोड बफर। आप जैसे ये देख सकते हैं, ये आपकी रिजर्वेशन स्टेशन की ये बेसिकली इन बफर्स की एक जो रिजर्वेशन स्टेशन हैं उनकी एक एंट्री है, जो आपकी रिजर्वेशन स्टेशन है लोड बफर फोर पे उसकी वैल्यू डिपेंडेंट है, ठीक है जी। जब तक यहाँ पे वैल्यू लोड नहीं होगी तब तक इस रिजर्वेशन स्टेशन में जो ऐड कोई भी ये ऐड या मल्ट कोई भी रिजर्वेशन स्टेशन हो सकता है वहाँ पे उसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लोड बफर फोर की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, जब तक ये अवेलेबल नहीं होगी तब तक यहाँ ये रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर ये वैल्यू ये एंट्री बिजी रहेगी, ठीक है। जब ये वैल्यू अवेलेबल होगी ये लोड बफर फोर से, ये वीजे में प्लेस कर दी जाएगी, इसके ऑपरेंड्स रेडी होंगे और फिर ये आगे फर्दर फंक्शनल यूनिट को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है जी। ये कुछ छोटा सा कंपैरिजन है, ये लोड जो है दोनों लोड स्टोर दोनों में एड्रेस कैलकुलेट होता है। सबसे पहले एड्रेस यूनिट कैलकुलेट्स इफेक्टिव एड्रेस, स्टोर के अंदर भी यही होता है, एड्रेस यूनिट कैलकुलेट्स इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है जी। इफेक्टिव एड्रेस इज कंपेयर टू ए फील्ड ऑफ ऑल एक्टिव स्टोर बफर्स, इस लोड बफर में जितनी भी एक्टिव फील्ड्स हैं जो लोड हुई हुई हैं उसकी ए फील्ड से कंपेयर होगा आपका इफेक्टिव एड्रेस, जो इफेक्टिव एड्रेस यूनिट कैलकुलेट करेगा। स्टोर बफर के अंदर भी यही होगा, अगर यहाँ पे कोई मैच हो रहा है इन दोनों में अगर कोई मैच होता है तो लोड के केस में रीड आफ्टर राइट हैजर्ड होगी, राइट, क्योंकि आफ्टर आपने लोड के अंदर वैल्यू को रीड करना है, तो यहाँ पे रीड आफ्टर राइट हैजर्ड होगी अगर आपका इफेक्टिव एड्रेस जो है वो मैच कर रहा है इसी ए फील्ड से, जबकि स्टोर के अंदर आप राइट आफ्टर रीड हैजर्ड है और राइट आफ्टर राइट हैजर्ड है, क्योंकि आप स्टोर बफर्स के अंदर वैल्यूज को राइट करते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी इशू टू लोड बफर, अगर आपका इफेक्टिव एड्रेस सेम है तो लोड बफर के अंदर वैल्यू जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है इशू नहीं होगी। इसी तरह स्टोर बफर में भी अगर आपका इफेक्टिव एड्रेस मैच कर रहा है किसी एक्टिव एंट्री से तो आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू नहीं होंगी, ठीक है जी। तो इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से देखते हैं, ये आपकी लोड स्टोर ऑपरेशन बस है, ये आपकी इंस्ट्रक्शन है जो इंस्ट्रक्शन क्यू में थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज ये आपकी इंस्ट्रक्शन है 8x1 और लेट्स सपोज x1 की वैल्यू जो है वो 100 है, तो जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हुआ इट इज़ 108, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो SB2 है, SB2 इसमें एड्रेस जो इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू इट इज़ 108, इट मीन्स ये यहाँ पे मैच हो गया आपके स्टोर बफर की वैल्यू से, तो ये इशू जो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपकी स्टोर बफर को या लोड बफर को, बेसिकली लोड की इंस्ट्रक्शन है लोड बफर को, ये इशू नहीं होगी, ठीक है। इनमें से किसी में भी ये मैच हो रहा है आपका इफेक्टिव एड्रेस, किसी लोड बफर या एड्रेस बफर सॉरी स्टोर बफर इनमें से किसी एक की भी एड्रेस फील्ड से ये आपका इफेक्टिव एड्रेस मैच कर रहा है तो ये इंस्ट्रक्शन इशू नहीं होगी, ठीक है जी, बल्कि ये यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन स्टॉल हो जाएगी। लेट्स सपोज आपकी x1 की वैल्यू 120 है, तो 120 प्लस 8 इज 128 और 128 इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये जो लोड की इंस्ट्रक्शन है ये आपकी इशू हो जाएगी आपकी लोड बफर 1 में 128। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है जो लोड होनी है मेमरी से इंटू रजिस्टर F2, तो यहाँ पे F2 में आपकी लोड बफर 1 का आइडेंटिफायर जो है वो QI फील्ड ने उसको रिप्रेजेंट कर रही है। QI फील्ड जो है F2 रजिस्टर की वो LB1 से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लें, लोड और स्टोर में या कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। यहाँ पे आपकी थॉमस सुलो एल्गोरिथम जो है वो कंप्लीट हो गया, ये उसकी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन है जी। सर ये कहेगा कि जब ये यहाँ पे लोड हो गया तो ये QI में क्यों गया? QI में यस बेसिकली ये वैल्यू जो मेमरी में वैल्यू है ये मेमरी में जो वैल्यू है ये आपकी रजिस्टर F2 में ही लोड होनी है। ये इंस्ट्रक्शन से हमें पता चल रहा है कि इट मस्ट गो टू F2, ठीक है। इसीलिए ये F2 का जो रजिस्टर है इसका आइडेंटिफायर QI फील्ड जो है वो LB1 बन गई है, ठीक है।
क्लियर हो गया? यस सर। सर जो आपने शुरू में एग्जांपल कराई है एग्जांपल 2, उसमें सर अगर हम ऐड वाली निकाल दें तो जो मल्टीप्लाई है उसका रिजल्ट भी f 0 में जा रहा है और जो सब्ट्रैक्शन है यस फिर बिल्कुल जाएगा वहां पे, और जो सब्ट्रैक्शन का भी f 0 में जा रहा है। अगर इस सेकंड वाली को निकाल दें तो f 0 में कौन सी वैल्यू जाएगी मल्टीप्लिकेशन वाला? अच्छा आप इसमें कह रही हैं, अगर यस मैं आप इसमें कह रही हैं हम इसमें ऐड की इंस्ट्रक्शन निकाल दें जी, अगर हम इसमें ऐड की इंस्ट्रक्शन निकाल दें तो फिर ये आपकी दोनों f नॉट जो है यस आप एक मिनट जी, अगर हम लेट्स सपोज हम f नॉट ये एक मिनट, ये हमने हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लिकेशन की, तो बेसिकली फिर पता क्या होगा आपका ये जो मल्टीप्लायर है मल्टीप्लायर यहाँ पे आपके ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, और ये मल्टीप्लायर आप लोगों को पता है फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर ज़्यादा साइकिल लेता है, ज़्यादा साइकिल्स लेता है एज़ कम्पेयर टू एडर्स, ठीक है? फ्लोटिंग पॉइंट एडर्स फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर्स ज़्यादा साइकिल लेते हैं, आई गेस 6 साइकिल्स रफली लेते हैं, ठीक है? जब ये एडर्स जो है वो 2 साइकिल्स रफली लेते हैं, ठीक है? तो अब जब यहाँ पे मल्ट 1 है और अब आपकी इंस्ट्रक्शन जब ये ऐड 1 है, ये ऐड की आपने निकाल दी, ठीक है? और यहाँ पे आपकी ऐड 2 बन गया, ठीक है? अब यहाँ पे जब आपका ऐड 2 बने तो ये इनमें से जो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी वो इसको अपडेट कर देगी, ठीक है? लेकिन अगेन यहाँ पे राइट आफ्टर राइट हैजर्ड अकर होगा, ठीक है? जब ये राइट आफ्टर राइट हैजर्ड, जो अगर आपके जो हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट ने आपने यहाँ पे हैजर्ड डिटेक्ट कर लिया है बिकॉज आपने एडिशन की इंस्ट्रक्शन निकाल दी, और राइट आफ्टर राइट हैजर्ड जो है वो अकर हो सकता है, ठीक है? तो फिर आप जो है जब आपके यहाँ पे ऐड 2 रिप्लेस हो गया और यहाँ पे मल्ट 1 जो है वो आपकी कैलकुलेट हो रही है, तो बेसिकली ये जो वैल्यू ब्रॉडकास्ट होगी तो उससे पहले ये वैल्यू पहले ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राइट आफ्टर राइट हैजर्ड जो डिटेक्शन हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट है उसने राइट आफ्टर राइट हैजर्ड डिटेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज को सॉरी जो यहाँ पे डिपेंडेंसीज है उनको मेंटेन रखना ज़रूरी है, तो उस केस में जो मल्टीप्लायर फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर है वो पहले अपडेट होगा यहाँ पे, ठीक है? ये वैल्यू जो है ये जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो आपकी इंस्ट्रक्शन क्यू में आपकी वेट करेगी, क्योंकि आप यहाँ पे रजिस्टर रीनेमिंग नहीं आप कर सकते, लेकिन स्टैटिक स्केड्यूलिंग जो कंपाइलर ने करनी थी वो अगर स्टैटिक स्केड्यूलिंग आपकी एनेबल है, आपकी स्टैटिक स्केड्यूलिंग आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन जो है एफ नोट उसका रजिस्टर की वैल्यू रीनेम हो सकती है, स्टैटिक स्केड्यूलिंग इसको रीनेम कर सकता है, लेकिन अगर स्टैटिक स्केड्यूलिंग नहीं हो रही तो अगेन यहाँ पे दोनों में राइट आफ्टर राइट हैजर्ड है, हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट इस राइट आफ्टर राइट हैजर्ड को डिटेक्ट करेगा और आपकी ये डिपेंडेंसीज मेंटेन होनी चाहिए, उस केस में ये आप इन ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर नहीं इन ऑर्डर एग्जीक्यूट ही करेंगे, तो ये जो आपकी सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है ये आपकी इंस्ट्रक्शन क्यू में वेट करेगी, यहाँ पे वेट करेगी, आपकी इंस्ट्रक्शन इशू नहीं होगी, ठीक है? मतलब f0 में पहले मल्टीप्लाई का रिजल्ट जाएगा, लेकिन yes, क्योंकि हैजर्ड की वजह से यस हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट है उसे डिटेक्ट कर लेगा, यस हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट इसको डिटेक्ट कर लेगा, तो आपको आप इसकी अगर स्टैटिक स्केड्यूलिंग हुई हुई है तो कंपाइलर लेवल पे ये आपका रजिस्टर रीनेम हो जाएगा, अगर स्टैटिक स्केड्यूलिंग नहीं है और यहाँ पे डिपेंडेंसीज हैं और यहाँ पे डिपेंडेंसीज चूंकि दोनों एक ही सेम रजिस्टर की हैं और यहाँ पे आइडेंटिफाइड जो है वो मल्ट 1 है, तो अगेन राइट आफ्टर राइट हैजर्ड को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे डिपेंडेंसीज को मेंटेन करना है, और उस वजह से यहाँ पे इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगी, पहले मल्टीप्लीकेशन होगी और फिर सब्ट्रैक्शन की होगी, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी हम एक नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे जिसको हम क्या स्पेकुलेशन का नाम देते हैं, उसमें कुछ ये होता है जिसमें आपको उसका आइडिया दे रहा हूँ, उसमें ये होता है अब हम ये थॉमस सुलो एल्गोरिज्म में हम ये काम कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को इन ऑर्डर इशू कर रहे थे, ऑर्डर में इशू कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी एग्जीक्यूशन है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो रही थी, ठीक है? अगर आप कर सकते हैं तो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रही है, उसमें ये जो अभी आपने केस बताया ना कि ये मल्ट 1 जो है ये एडिशन एफ नॉट मल्ट 1 भी सॉरी जो मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन ये दोनों एफ नॉट को यूज़ कर रही है और हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट है यहाँ पे हैजर्ड डिटेक्ट कर ली, यहाँ पे इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन ही होगी, लेकिन जो हम नेक्स्ट वीक स्पेकुलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि
आप इंस्ट्रक्शंस को इन ऑर्डर इशू कर रहे हैं, और बेसिकली वहां पे आप एक काम और भी करेंगे, उसकी बेस पे आप एक काम और भी कर सकते हैं। स्पेकुलेशन अगर आप सपोर्ट करें तो उसकी बेस पे आप एक और काम के कर सकते हैं कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकते हैं, ठीक है। फिर आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगी, लेकिन एक नया स्टेप यहाँ पे जो थॉमसुलो एल्गोरिदम में क्या था, इशू एग्जीक्यूट राइट, तीन स्टेप्स थे, वहाँ पे एक चौथा स्टेप ऐड होगा जो बेसिकली हम अभी मैं उसे कहूँ तो सादा अल्फाज में उसका नाम है कम्प्लीशन। जो इंस्ट्रक्शंस की कम्प्लीशन है वो भी इन ऑर्डर होगी, एग्जीक्यूशन आउट ऑफ ऑर्डर होगी लेकिन कम्प्लीशन इन ऑर्डर होगी, तो उस केस में ये हैजर्ड्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। जैसे अगर अभी आपने कहा यहाँ पे ऐड की इंस्ट्रक्शन हम निकाल दें, तो यहाँ पे दोनों इंस्ट्रक्शंस जो हैं, दोनों इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकती हैं, यानी फ्लोटिंग पॉइंट एडर्स जो है वो कम साइकिल्स लेते हैं, ये एडिशन की इंस्ट्रक्शन जो है पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन जो है की इंस्ट्रक्शन जो है वो वेट करेगी क्योंकि उसको साइकिल ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एग्जीक्यूशन आउट ऑफ ऑर्डर होगी, लेकिन जो यहाँ पे कम्प्लीशन है इंस्ट्रक्शन की, जो एफ नोट की वैल्यूज अपडेट होनी है, या कम्प्लीशन का जो स्टेप है इंस्ट्रक्शन का, जिसको बेसिकली स्पेकुलेशन की टर्म्स में कमिट का नाम देते हैं, ठीक है, कमिट का या कम्प्लीशन का नाम देते हैं, तो वो भी इन ऑर्डर होगी। थॉमसुलो एल्गोरिदम में इन ऑर्डर इशूज है, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन है। स्पेकुलेशन में इन ऑर्डर इशूज होंगे, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगी, लेकिन इन ऑर्डर कम्प्लीशन होगी। ये हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, ठीक है। फिलहाल थॉमसुलो एल्गोरिदम को देखते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यस, अगर इंस्ट्रक्शन जो है यस पूछें तो रही हूं, तो F0 में तो भी सबट्रैक्शन वाला रिजल्ट आएगा ना, जो लास्ट स्टोर हुआ। यस, अगर ये यस यहां पे जो है सबट्रैक्शन का, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का अपडेट होगा, उसके बाद सबट्रैक्शन का अपडेट होगा। तो मतलब F0 में जो यहां पे आएगा वो सबट्रैक्शन वाला रिजल्ट अपडेट होगा जो F के रजिस्टर में। यस, F नोड का जो रजिस्टर है उसमें पहले मल्टीप्लिकेशन का अपडेट होगा, ये आपकी सबट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन स्टॉल हो जाएगी, और फिर जब अपडेट हो गया F नोड का, फिर हाँ ये जरूर है कि ये दोनों इंस्ट्रक्शंस जो हैं, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएं, लेकिन बल्कि नहीं होंगी, थॉमसुलो में नहीं होंगी, स्पेकुलेशन में होंगी। थॉमसुलो के अंदर जो है ये आपकी इंस्ट्रक्शन सबट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन जो है वो हॉल्ट हो जाएगी, क्योंकि हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट जो है यहाँ पे हैजर्ड डिटेक्ट कर लेगा राइट आफ्टर राइट हैजर्ड, ठीक है, क्लियर है। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्वेश्चन है कोई? ओके, क्वेश्चन नहीं तो काइंडली माइक को म्यूट कर दें, वरना क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है जी। ओके जी, एक एग्जांपल और करते हैं, और ये एग्जांपल थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल है, लेकिन ये आपके अगर अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो मे बी वो कन्फ्यूजन भी आपकी दूर कर देगी ये एग्जांपल आपकी, ठीक है जी। तो बेसिकली इन सब एग्जांपल्स को इस हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो नॉर्मली अगर आपने थॉमसुलो एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ टेबुलर फॉर्म्स हैं जो आपकी बुक के अंदर भी इसी तरह रिप्रेजेंट हुई हुई है, ये तो मैंने आपको करके दिखाई है, आपकी बुक में ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में छोटी सी मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपकी डिवीजन की इंस्ट्रक्शन में है, यहाँ पर जो एफ नोट है बेसिकली इट इज़ एफ टेन, ठीक है जी। ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ये आपकी एग्जांपल है, और इस एग्जांपल के अंदर ये आपकी एग्जांपल में आपको बताता चलूँ, ये आपकी एग्जांपल है जनाब पेज नंबर 201 में, ठीक है जी। और यहाँ पे जो एफ नॉट है इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू एफ टेन, ठीक है। और हम एज्यूम करते हैं, कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, यस, वो एडिशन में 2 क्लॉक साइकिल्स कंज्यूम कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन 6 क्लॉक साइकिल्स कंज्यूम कर रहे हैं, और डिवीजन 12 साइकिल्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी अजम्पशंस हैं, जबकि अगर आपको लोगों को याद हो, अगर आप में से किसी को याद है, आप में से कोई मुझे बताएगा कि रिस्क 5 के अंदर आपकी डिवीजन इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने साइकिल्स कंज्यूम कर रही थी, किसी को याद है? हमने जब पाइपलाइंस का लास्ट लेक्चर देखा था, 24, यस करेक्ट, ठीक है जी। तो 24 साइकिल्स जो है डिवीजन का कंज्यूम, डिवीजन का जो फंक्शनल यूनिट है वो 24 साइकिल्स कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारी अजम्पशन है कि डिवीजन का यूनिट जो है वो 12 साइकिल्स कंज्यूम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन 6 साइकिल्स में हो रही है, और एडिशन जो है ओनली 2 साइकिल्स कंज्यूम कर रही है, ठीक है जी।
और हम यहाँ पे एफ नॉट नहीं है बल्कि हमारा एफ टेन है, ठीक है जी। तो अब ये दो टेबल्स हैं, इसमें से ये जो ऊपर वाला टेबल है, ये जो ऊपर वाला टेबल है एक्चुअली ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये रेजर्वेशन स्टेशन और रजिस्टर स्टेटस ये आपके हार्डवेयर में है। रेजर्वेशन स्टेशन आपके हार्डवेयर में है, रजिस्टर फाइल जिसकी क्यू फील्ड्स है वो आपकी हार्डवेयर में है। ये जो ऊपर वाला टेबल है ये जैसे सिर्फ आपको समझाने के लिए है। रेजर्वेशन स्टेशन आपके हार्डवेयर में थॉमस सुलो एल्गोरिथम का पार्ट है, और रजिस्टर स्टेटस जो है क्यू आई फील्ड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये भी आपके हार्डवेयर का पार्ट है, ठीक है। ये बेसिकली हमने हार्डवेयर बेस्ड स्केजुलिंग जिसमें थॉमस सुलो एल्गोरिथम यूज हो रहा है, हार्डवेयर बेस्ड स्केजुलिंग देख रहे हैं। तो ये रेजर्वेशन स्टेशन आपके हार्डवेयर का पार्ट है, और रजिस्टर स्टेटस जो है ये आपके हार्डवेयर का पार्ट है। ऊपर वाला जो टेबल है ये आपका हार्डवेयर का पार्ट नहीं है बल्कि आपको समझाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपके थॉमस सुलो एल्गोरिथम में तीन स्टेप्स होते हैं, इशू, एग्जीक्यूट, राइट, रिजल्ट। तो सबसे पहले आपकी ये लोड की इंस्ट्रक्शन इशू होगी, ये लोड की इंस्ट्रक्शन लोड बफर वन में इशू हुई, ठीक है जी, और बिजी बिट यस हो गई, ऑपरेशन आपका लोड का है, ठीक है। और यहाँ से आपने वैल्यू कौन सी पिक करनी है, यस। अब ये जो वैल्यू है एक्स 32, ये इमीडिएट फील्ड जो है 32 वो ए में स्टोर हो गई, और जो वैल्यू है एक्स 2 की वो वी के की जो वैल्यू है वो रजिस्टर एक्स 2 की वैल्यू है, वी के अंदर वैल्यू वी के अंदर आपकी अवेलेबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इशू हो गई, ठीक है, विच इज ऑल्सो लोड की इंस्ट्रक्शन है आपकी, विच इज ऑल्सो लोड इंस्ट्रक्शन। आपकी ये इंस्ट्रक्शन इशू हो गई लोड बफर टू में, ये बफर भी आपका बिजी हो गया, इस इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन भी लोड है। इमीडिएट फील्ड आपकी ए फील्ड में 44 स्टोर हो गई, एक्स 3 में जो वैल्यू है रजिस्टर फाइल में वो आपकी वी के रिजर्वेशन स्टेशन की वी के फील्ड के अंदर स्टोर हो गई है, ठीक है। रजिस्टर एक्स 3 की जो वैल्यू है वो वी के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में ये आपका दोनों इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इशू हो गई हैं, लेकिन आप गौर करें जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन उसने स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको लास्ट अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया जब हमने लोड और स्टोर बफर्स को डिस्कस किया है कि लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस टू स्टेप्स लेती हैं, टू साइकिल्स कंज्यूम करती हैं फॉर एग्जीक्यूशन। तो जब आपकी सेकेंड इंस्ट्रक्शन इशू हुई तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो जाएगा और आपका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए आपका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो गया और ए फील्ड के अंदर वो अवेलेबल है। उसके साथ क्या हुआ, सेकंड इंस्ट्रक्शन ने आपकी अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। इस साइकिल में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट कर रही है, सेकंड इंस्ट्रक्शन अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर रही है, जबकि थर्ड इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लीकेशन की आपकी इशू हो गई मल्ट वन रेजर्वेशन स्टेशन में, इसकी बिजी फील्ड बिजी हो गई, ऑपरेशन इसका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप गौर करें रजिस्टर फोर एफ फोर में एक इसका ऑपरेंड है वी के, ठीक है, और जो सेकंड ऑपरेंड है इसका एफ टू विच इज क्यू जे लो एफ टू लोड बफर टू में अवेलेबल है, ठीक है जी। एफ टू लोड बफर टू में अवेलेबल है, आप यहाँ देख सकते हैं लोड बफर टू में आपका अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका जो QJ की फील्ड है इट इज लोड बफर 2 और VJ की वैल्यू अभी अननोन है, ठीक है, क्योंकि ये लोड बफर 2 ये इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। आप गौर करें इसके साथ साथ जो रजिस्टर स्टेटस है ये भी अपडेट हो रहे हैं, रजिस्टर फाइल्स एफ नोट मल्ट 1 बन गए, ठीक है जी। एफ नोट की वैल्यू मल्ट 1 में रिजर्वेशन स्टेशन में है इसलिए यहाँ पे QI फील्ड मल्ट 1 हो गई है। यहाँ पे एफ 2 की वैल्यू जो है लोड बफर 2 है, और इसी तरह F6 की वैल्यू जो है यहाँ पे F6 की जो वैल्यू है वो लोड बफर 1 में बिजी है, ठीक है जी। तो रजिस्टर स्टेटस भी चेंज हो रहे हैं और रिजर्वेशन स्टेशन जो है वो भी अपडेट हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या हुआ है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ने राइट रिजल्ट का स्टेप करना है, इसकी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो गया, कॉमन डेटा बस पे ये ब्रॉडकास्ट करेगा और आपका रिजल्ट जो है वो F6 के ऊपर जो रिजल्ट है वो राइट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका रजिस्टर जो है वो फ्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो पहले वैल्यू थी लोड बफर वन वो फ्री हो गई है, और लोड बफर वन का रिजर्वेशन स्टेशन जो है लोड बफर वन जो बफर है वो फ्री हो गया, ठीक है।
इस सेकंड इंस्ट्रक्शन का सेकंड स्टेप है जिसमें उसने इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, और एक नई इंस्ट्रक्शन इशू हो गई है। और ये नई इंस्ट्रक्शन क्या है जनाब, ये इंस्ट्रक्शन है आपकी सब्ट्रैक्शन की। ये सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन अगेन F2 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एडिशन वन में आपकी ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई है, आपकी ये ऑपरेशन आपका सब्ट्रैक्शन का है। आपका लोड बफ वी जे जो एक एक ऑपरेंड है LB2 में बिजी है, ठीक है, ये F2 LB2 में बिजी है यहाँ पे। और सेकंड ऑपरेंड जो है अगर आप ये देखें F6 के अंदर जो आपका सब्ट्रैक्शन का सेकंड ऑपरेंड है, इट इज़ एक्चुअली F6, और F6 आपका राइट हो चुका है इनटू F6 फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस में। और ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई थी, यहाँ पे उस तरह लिखा हुआ है मेमोरी से, ये लोड की इंस्ट्रक्शन थी, और ये कहाँ से आई थी, रजिस्टर X2+32 यहाँ से आपकी इंस्ट्रक्शन थी, और ये आपकी F6 में अवेलेबल थी। और यहाँ पे उसकी वैल्यू ये है, VK की वैल्यू ये है जो बेसिकली F6 के कॉन्टेंट्स हैं, ठीक है जी। F6 के अंदर वैलिड वैल्यू थी और ये वैलिड वैल्यू हुई यहाँ पे है, ठीक है, हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, ये वैल्यू बेसिकली यहाँ से आई थी, ठीक है जी। और लोड बफर टू, इसका जो सेकंड ऑपरेंड है QJ, लोड बफर टू में बिजी है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पे VJ की वैल्यू नहीं लिखी हुई, ठीक है जी। और इसके अकॉर्डिंगली ये F8 जो है, F8 वो एड वन से, यहाँ पे इसका जो QI फील्ड है वो एड वन से रिप्लेस हो गई है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आप देख सकते हैं ये सेकंड लोड भी कंप्लीट हो गया, ये सेकंड लोड बफर फ्री हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी रिजल्ट वैल्यू को राइट कर दिया F2 में, और यहाँ F2 में अब एक वैलिड वैल्यू है, ठीक है। और आपकी इंस्ट्रक्शन जो है इशू हुई है वो थी डिवीजन की, ठीक है, तो डिवीजन की इंस्ट्रक्शन आपकी मल्ट टू रिजर्वेशन स्टेशन में इशू हुई है। ये इंस्ट्रक्शन, ये रिजर्वेशन स्टेशन आपका बिजी हो गया, ऑपरेशन आपके डिवीजन का है, ठीक है। अब डिवीजन में आप गौर करें F0 मल्टीप्लीकेशन जो है वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मल्ट वन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मल्ट वन में प्रोड्यूस हो रहा है, और इसका सेकेंड ऑपरेंट जो है F6 वो हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। F6 कहाँ से था, आप देख सकते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में F6 में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 प्लस रजिस्टर X2, ठीक है। तो VK के अंदर इसका एक ऑपरेंट अवेलेबल है, जबकि इसका सेकंड ऑपरेंट F0 मल्ट वन में प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे मल्ट वन ने अभी तक एग्जीक्यूशन स्टार्ट भी नहीं की, उसकी रीज़न ये थी कि F2 प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। अब चूंकि F2 इस सेकंड लोड में कंप्लीट हो चुका है, तो ये F2 की जो वैल्यू है वो आप गौर करें मल्ट वन में अपडेट हो गई है। उससे पहले यहाँ पे लोड बफर टू में वो जनरेट हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, और यहाँ पे वो रजिस्टर F4 के अंदर, रजिस्टर F4 के अंदर वैल्यू आपकी अपडेट हो गई है। अब इस मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन के लिए जिसने अभी तक एग्जीक्यूशन स्टार्ट भी नहीं की, इसके दोनों ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, और अगेन जब तक आपके दोनों ऑपरेंड्स अवेलेबल ना हो आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, राइट। अब इसके दोनों ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन इज रेडी टू एग्जीक्यूट। तो नेक्स्ट साइकिल में आपकी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, और इसके साथ साथ अगर आप गौर करें ये जो एडिशन की इंस्ट्रक्शन है इसके दोनों ऑपरेंड्स भी अवेलेबल हैं, जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है बेसिकली एड वन रिजर्वेशन स्टेशन में जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है दिस वन, इसका भी एक ऑपरेंड मिसिंग था F2, जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस इंस्ट्रक्शन के भी दोनों ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन के दोनों ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन के दोनों ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट साइकिल में ये दोनों ऑपरेंड्स जो हैं, दोनों इंस्ट्रक्शन जो हैं एग्जीक्यूट हो रहे हैं पैरेलल में, राइट। ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो हैं वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और आपने एक लास्ट इंस्ट्रक्शन एडिशन की इंस्ट्रक्शन को भी इशू कर दिया है, जो बेसिकली आपकी इस एड टू रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर इशू हो गई है, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है F8 इसका जो रिजल्ट है वो F8 या सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन में जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे
आप देख सकते हैं एड वन, क्यू जे की फील्ड जो है वो एड वन है, ठीक है जी। तो अब ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, और आप गौर करें एडिशन ने टू साइकिल्स लेने हैं, मल्टीप्लीकेशन ने सिक्स साइकिल्स लेने हैं। तो इस स्टेप में आपका एडिशन का एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लीकेशन का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एडिशन के टू साइकिल्स कंप्लीट हो गए, मल्टीप्लीकेशन के टू साइकिल्स कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा, वन है इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है, ये नेक्स्ट साइकिल में ये रिजर्वेशन स्टेशन फ्री हो गया, और यहाँ आप देख सकते हैं ये सब्ट्रैक्शन ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अगेन दिस इज आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पहले कंप्लीट हो चुकी है, मल्टीप्लीकेशन का ये थर्ड साइकिल है, ठीक है जी। ये मल्टीप्लीकेशन का थर्ड साइकिल है, ये वाली सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन जो है टू साइकिल्स कंज्यूम करके आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है जी। कंटिन्यू करते रहेंगे। अब ये अगर आप गौर करें, ये जो एडिशन की इंस्ट्रक्शन है इसके भी ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे F8 जो था, F8 ये सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस हो रहा था। जब ये प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पे उसका रिजल्ट अवेलेबल है, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज, अब ये दोनों इस एडिशन की इंस्ट्रक्शन के लिए, इस एडिशन की इंस्ट्रक्शन के लिए दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इट इज रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है जी। तो अब तक क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन का ये थर्ड साइकिल है और एडिशन की इंस्ट्रक्शन इज रेडी टू एग्जीक्यूट, ये लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है इट इज रेडी टू एग्जीक्यूट। तो नेक्स्ट साइकिल में इसका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुआ, मल्टीप्लीकेशन के फोर साइकिल्स कंप्लीट हो गए, डिवीजन की इंस्ट्रक्शन स्टिल रिजर्वेशन स्टेशन में मल्ट वन का वेट कर रही है, जो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन है उसका वेट कर रही है, राइट। ये एक मिनट जी, ये मल्ट वन में जो आपकी यस डिवीजन की इंस्ट्रक्शन जो है वो एफ नॉट उस पर डिपेंडेंट है, तो एफ नॉट की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लीकेशन में प्रोड्यूस हो रही है, तो डिवीजन की इंस्ट्रक्शन स्टिल वेट कर रही है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका इस एडिशन का एक साइकिल हो गया, मल्टीप्लीकेशन के आपके फोर साइकिल्स हो गए, नेक्स्ट एडिशन के टू साइकिल्स हो गए, मल्टीप्लीकेशन के फाइव साइकिल्स हो गए। तो ये इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट साइकिल में ये राइट हो गई और ये आपका रिजर्वेशन स्टेशन फ्री हो गया, और यहाँ पे इस स्टेप में आपके मल्टीप्लीकेशन के सिक्स साइकिल्स कंप्लीट हो गए, मल्टीप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट साइकिल में ये भी राइट हो गई, और आपका इस डिवीजन के लिए जो आपकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी मल्ट वन की, वो यहाँ पे राइट हो जाएगी, ठीक है। दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये आपकी मल्टीप्लीकेशन से जो आपके कॉमन डेटा बेस पे रिजल्ट ब्रॉडकास्ट हुआ वो यहाँ पे अपडेट हो गया। अब डिवीजन जो है उसके दोनों ऑपरेंड जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब ये डिवीजन जो है अपने 12 साइकिल्स कंप्लीट करेगी और उसके बाद यहाँ पे राइट होगा। तो अगेन 1, 2, 3 अप टू 12 साइकिल्स, 12 साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद जब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन दोनों की डिवीजन कंप्लीट हो गई है, तो 12 साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे राइट हो जाएगी और आपके रिजर्वेशन स्टेशन फ्री हो जाएंगे और ये आपका कोड जो है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी एग्जांपल है, इसमें आप इसे ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको बार बार देखेंगे तो होपफुली अगर आप कुछ स्टेप मिस कर गए तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन स्टिल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस एग्जीक्यूशन में या कोई पीछे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई हैं, ओके जी। थॉमसुलो एल्गोरिदम का आप कह लें उसका कोड है, जो एक्शंस रिक्वायर्ड है उसका उसका उसको एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम पाइपलाइन के केस में इस तरह के बहुत सारे एल्गोरिदम्स देख चुके हैं, तो इसको आप अपने तौर पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया है, बेसिकली ये वही स्टेप्स हैं सब, ठीक है। तो ये आपकी इशू स्टेज है, ये आपकी एग्जीक्यूट स्टेज है, और ये आपकी राइट रिजल्ट स्टेज है, ठीक है जी। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के लिए ये अलग है, लोड और स्टोर के लिए डिफरेंट है, तो इसको आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। एक और एग्जांपल है विच इज़ लूप बेस्ड एग्जांपल, ये एग्जांपल है आपकी, इसमें एक लूप है। तो इस लूप के अंदर बेसिकली क्या होगा, इफ़ यू प्रिडिक्ट दैट ब्रांचेस आर टेकन देन रिजर्वेशन स्टेशंस विल अलाउ मल्टीपल आइटरेशंस ऑफ द लूप। अगर आपकी ये आप
प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आपकी ब्रांच टेकन है, और ये ब्रांच टेकन जो है वो प्रिडिक्शन करेक्ट हो जाती है, तो आपको फ़ायदा होगा क्योंकि रिजर्वेशन स्टेशन जो है मल्टीपल आइट्रेशन आपकी पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने लूप अनरोलिंग देखी थी जिसमें मल्टीपल आइट्रेशन आपकी एक ही स्टेप में हो रही थी, एक ही आइट्रेशन में आपने मल्टीपल आइट्रेशन को कंप्लीट करे थे जब लूप अनरोलिंग हमने देखा था, हमने स्टडी किया था, ठीक है जी। तो ये उसकी एग्जीक्यूशन दिखाई हुई है आपकी बुक में, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करके दिखाऊंगा, ये आप लोग खुद करेंगे, लेकिन आप लोग गौर करें इस लूप के अंदर तीन चीज़ें, ये वही एग्जांपल है जो हमने बेसिकली पीछे भी देख चुके हैं, ये लोड मल्टीप्लिकेशन एंड स्टोर, ये तीन इंस्ट्रक्शन हैं, बाकी लूप ओवरहेड है, ये नेक्स्ट एड्रेस कैलकुलेशन है, ये ब्रांच ओवरहेड, ये ब्रांच ओवरहेड है, ठीक है जी। मेनली ये थ्री इंस्ट्रक्शन हैं, तो अगर आप जो आप ब्रांच प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो हैं अपने रिजर्वेशन स्टेशंस के अंदर इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली एक आइट्रेशन में आपकी टू आइट्रेशंस कंप्लीट हो रही हैं, एक ये और एक ये, अगर आपकी आइट्रेशंस आपकी प्रिडिक्शन करेक्ट है तो ये आपकी एक ही आइट्रेशन में बेसिकली मल्टीपल आइट्रेशंस कंप्लीट हो रही हैं, बिल्कुल हार्डवेयर में जो हमने लूप अनरोलिंग कंपाइलर में की थी, सॉफ्टवेयर में की थी, कंपाइलर बेस्ड थी वो, तो ये आपकी हार्डवेयर में लूप अनरोलिंग होती है। तो थॉमसुलो एल्गोरिदम जो है बेसिकली आपकी लूप अनरोलिंग भी करता है हार्डवेयर में, ये आपकी लूप अनरोलिंग है हार्डवेयर बेस्ड, ठीक है जी। तो आपकी टू एक्टिव आइट्रेशन ऑफ द लूप विद नो इंस्ट्रक्शन येट कम्प्लीटेड, ये आपकी ये जो दिखाया हुआ है या इनमें से अभी कोई इंस्ट्रक्शन कम्प्लीट नहीं हुई, लेकिन आपकी टू आइट्रेशन एक्टिव आइट्रेशन आपकी रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर हैं, ये आपकी रिजर्वेशन स्टेशन में टू आइट्रेशन पड़ी हुई हैं, ये हार्डवेयर में आपकी लूप अनरोलिंग है, ठीक है जी। एक बार याद रखें, अगर आपका यहाँ पे प्रिडिक्शन गलत हो रही है तो ये बहुत ही बड़ा इशू है, और इसी को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन देखेंगे, जो बेसिकली थॉमसुलो एल्गोरिदम की एक तरह से एक्सटेंशन ही है, ठीक है। तो ब्रांच प्रिडिक्शन आप करेंगे, लूप अनरोलिंग से मल्टीपल आइट्रेशन होगी, लेकिन अगर आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग है तो आपको जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस कंट्रोल डिपेंडेंसीज को थॉमसुलो एल्गोरिथम में हम कैसे हैंडल करेंगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है जी। तो इफ़ यू प्रिडिक्ट ब्रांचेस आर टेकन रिजर्वेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एडवांटेज ये है जी, विदाउट चेंजिंग द कोड स्टैटिक स्केड्यूलिंग जो हमने कंपाइलर में की थी, विदाउट चेंजिंग द कोड लूप इज अनरोल्ड डायनामिकली, जो आपकी लूप अनरोलिंग हो रही है डायनामिकली हो रही है, डायनामिक स्केड्यूलिंग बाय हार्डवेयर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, थॉमसुलो एल्गोरिथम का एक एडवांटेज है बहुत बड़ा, कि आपकी लूप जो है वो उसमें लूप अनरोलिंग भी हो रही है हार्डवेयर बेस्ड, ठीक है जी। तो कंट्रोल डिपेंडेंसीज जो बेसिकली अगर आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो रही है और फिर आप क्या करेंगे, और कंट्रोल डिपेंडेंसीज जो हैं वो थॉमसुलो एल्गोरिथम में कैसे हैंडल होती हैं, ये नेक्स्ट वीक का लेक्चर है, हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, टेक्निक टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल डिपेंडेंसीज, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को देखेंगे, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।